अगर आपके पास टू व्हीलर या फोर व्हीलर की गाड़ी है कि गाड़ी में चालान कटा हुआ है लेकिन आपको पता नहीं है वो चालान कब कटा हुआ है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी में कितने चालान कटे हुए हैं, आप उसको ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। कुछ सेकंड हैंड गाड़ी भी खरीदते हो और बाद में आपको पता चलता है कि उस गाड़ी में पहले से चालान कटे हुए हैं, तो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने से पहले भी आप उसका ऑनलाइन चालान भी चेक कर सकते हो, उस गाड़ी में कितने चालान है, किस तरह आप अपनी गाड़ी का ऑनलाइन चालान चेक कर सकते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी गाड़ी का चालान चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल या फिर पीसी के ब्राउजर में जाना है। यहाँ आपको टाइप कर देना है ई चालान। टाइप करने के बाद आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद देखिए आपके सामने सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही होगी ecalan.parivahan.gov.in। इस सबसे ऊपर वाले लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। इसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। तो अपने गाड़ी का चालान चेक करने के लिए देखिये यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे। अगर आपके पास चालान नंबर है तो देखिए यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, सिलेक्ट यहाँ पे चालान नंबर डाल देना है, कैप्चा फिल कर देना है और गेट डिटेल पे क्लिक कर लेना है। अगर आपको ऐसे ही आपको अपने गाड़ी का चालान चेक करना है तो आपको गाड़ी नंबर साथ में एक चेसिस नंबर और यहाँ पे कैप्चा फिल करके गेट डिटेल पे क्लिक कर लेना है। आपके गाड़ी का जो भी चालान कटा हुआ है वो शो हो जाएगा। अगर आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे कितना चालान कटा हुआ है तो ऐसे ही आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है ड्राइविंग डीएल नंबर पे, यहाँ आपको डीएल नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देता है और यहाँ पे गेट डिटेल पे क्लिक कर लेना है। मुझे अपनी गाड़ी का चालान चेक करना है कि मेरी गाड़ी पे कितने चालान कटे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम व्हीकल नंबर पे क्लिक कर लेंगे। व्हीकल नंबर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आपको देखिए व्हीकल नंबर डाल देना है, यहाँ दिख रहा होगा देखिए, और में चेसिस नंबर और इंजन नंबर। आप चेसिस नंबर के लास्ट 5 डिजिट या फिर इंजन नंबर के 5 डिजिट यहां डाल सकते हैं। अगर आप खाली गाड़ी नंबर डाल के कैप्चा फिल करके गेट डिटेल पे क्लिक करोगे देखिए तो आपके में कोई चालान इसमें नहीं दिखाएगा। तो अगर आपको सही से अपने गाड़ी का चालान चेक करना है तो यहाँ पर देखिए यहाँ आपको अपनी गाड़ी का नंबर डाल देना है, यहाँ अपनी गाड़ी के लास्ट 5 चेसिस नंबर या फिर आप इंजन नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो कैप्चा है वो यहाँ आपको फिल कर देना है और डेट डिटेल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ देखिए 3 चालान शो हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक नाम आ जाएगा किसके नाम ये चालान कटा हुआ है, उसके बाद यहाँ गाड़ी नंबर या डीएल नंबर आ जाएगा, चालान नंबर आ जाएगा देखिए, और यहाँ पे स्टेट आ जाएगी कौन से स्टेट में आपके चालान कटा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ चालान डेट आ जाएगी, चालान अमाउंट दिख जाएगा यहाँ पे, और देखिए चालान स्टेटस में दिख जाएगा कि आपके चालान यहाँ पे है। यहाँ देखिए सारे चालान यहाँ पेंडिंग है। तो इन चालान की डिटेल चेक करने के लिए देखिए आप किसी पे भी स्टेटस पे आप क्लिक कर सकते हैं। सर मैं इस वाले स्टेटस पे क्लिक कर देता हूँ जिसमें 10,000 का चालान कटा हुआ है, तो यहाँ हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके कोर्ट का एड्रेस आ जाएगा, किस कोर्ट में चालान ये कटा हुआ है आपका। देखिए यहाँ पे कोर्ट का नाम आ जाएगा और यहाँ चालान नंबर और डेट आ जाएगा। इस तरह आप अपनी गाड़ी का चालान चेक कर सकते हैं। और ऑनलाइन चालान कैसे पे किया जाता है इसकी मैं पहले से वीडियो बना चाहूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर भी दिख जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।